Assalamu um, my name is Raida Latif and I work for Pakistan Stock Exchange. My role at Pakistan Stock Exchange is basically um, marketing and business development. I am um, the general manager for both these areas. So, this is in short my role at the Stock Exchange. Uh, basically, savings and, uh, and investments, there is a huge difference. पहले आप बजट करते हैं फिर आप सेव करते हैं फिर उस सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं सो इन शॉर्ट अलॉर ऑफ आर पीपल एक्चुअली थिंक दैट व्हेन दे पुट द मनी इन द इन अ बैंक अकाउंट इन अ करंट अकाउंट दे फील दैट दे आर सेविंग दे इन्वेस्टिंग दैट मनी वेयर बाई एक्चुअली दे आर सेविंग दैट मनी देर नॉट इन्वेस्टिंग इट हाउ टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग इज दैट इफ यू कीप योर मनी एंड इट्स नॉट रियली मेकिंग more money out of it and if it's not able to beat the inflation or the uh, value lost due to inflation then it means you're just saving that money and that money is losing value unless you invest that money in various instruments you actually in the first step or first phase you will stop the loss of value of your money due to inflation or mehengai and then you will get some return over and above that. So if today the inflation uh, is at 10%, your money is losing value at that 10% rate per annum. You need to first stop that uh, that 10% loss of your existing principal, and then you need to be able to get a further profit. So you need to make at least 14, 15% to actually have a net. Profit of 5% or net gain of 5%. Uh, that you can actually get through investing your money. When it comes to investing, you have to be able to look around you and assess the various opportunities you have to invest your money in. These are also called instruments or asset classes where you invest your money uh, to make more money, to make your money work to earn more. जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ uh, भी आपको सेलेक्ट करने होते हैं सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू इज़ द स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट जिसके बगैर आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो आई वुड से इज़ इनकम्प्लीट तो अगर आपने रियल स्टेट में डाला आपने गोल्ड में डाला आपने बॉन्ड्स लिए हो आपने डिपॉज़िट्स में रखा हुआ सो म्यूचुअल फंड्स रखा हो सो so स्टॉक एक्सचेंज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके टोटल पोर्टफोलियो में एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टॉक एक्सचेंज को मिस ना करें स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट को जब स्टॉक मार्केट की बात की जाती है तो दे आर वेज दैट यू कैन एक्सेस द स्टॉक मार्केट डायरेक्टली एंड ऑल्सो इनडायरेक्टली इनडली इसलिए ऑप्शन है अवेलेबल उन लोगों के लिए जिनको मुश्किल होती है कि जब वो स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं और वो देखते हैं कि 500 से ऊपर कंपनीज़ हैं तो वो कहाँ से शुरू करें सो लॉट ऑफ़ टाइम्स हम एडवाइस करते हैं इन्वेस्टर्स को कि वो म्यूचुअल फंड्स यानी स्टॉक म्यूचुअल फ़ंड एक्विटी म्यूचुअल फ़ंड मुख्तलिफ़ नामों से होता है बट वो स्टॉक मार्केट की कैटेगरी के म्यूचुअल फ़ंडस के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें उसमें आपको एक प्रॉपर फंड मैनेजर मिलता है हु विल मैनेज नॉट ओनली योर इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो अदर इन्वेस्टमेंट्स दूसरा तरीका इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट को एक्सेस करने का होता है थ्रू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो ई भी कहते हैं वो रियल टाइम में आपने अगर एक यूनिट ई का लिया तो आप आ, बेसिकली 10 या 12 या 11 कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होंगे अब ये तो स्टार्टिंग एक मेथड है ताकि आप डिसीजन मेकिंग या हेल्प अगर आपको समझ नहीं आती तो इनिशियली आप इस तरह एंटर करें हावेवर हैविंग सेट दैट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट के स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली देखा जाए अपना अकाउंट खोला जाए शुरू में आप सहूलत अकाउंट के थ्रू एक सिंपल अकाउंट खोल सकते हैं बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है उसमें आप सिर्फ सी के बेसिस पे अपना स्टॉक मार्केट अकाउंट खोल सकते हैं उसमें आप अपना बैंक अकाउंट का नंबर जरूर लिखिएगा ताकि आप ट्रांसफ़र कर सकें आ, अपने कैश टू बाय स्टॉक्स और आपको बेसिकली अपना सी और एड्रेस वगैरह बेसिक आइडेंटिटी की इंफॉर्मेशन देनी होगी जो कि आपके सी एन आई सी में भी मौजूद है उसमें आप अपिल एट हंड्रेड थाउजेंड इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली अब जब स्टॉक मार्केट को देखते हैं तो एक ब्रॉड Uh, 500 से ऊपर कंपनीज हैं लेकिन एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन न्यू की जा सकती है कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि चिप कंपनीज़ भी कहलाई जाती हैं जिनमें आपको डिविडेंड मिलता है डिविडेंड क्या होता है डिविडेंड आपने शेयर ख़रीदा किसी कंपनी का पांच कंपनीज के शेयर्स ख़रीदें जो कि चिप कंपनीज हों या जो डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज़ हों ये वो कंपनीज़ हैं जो कि साल के आखिर में जब प्रॉफिट बनाती हैं उनमें से एक परसेंटेज अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट वो कभी फोर्टी परसेंट हो सकता है कभी टेन परसेंट होता है कभी फाइव परसेंट कभी हंड्रेड से ऊपर परसेंटेज डिपेंड करता है कि उस कंपनी ने क्या प्रॉफिट बनाया और कितना उसने री करने का प्लान किया उसके बोर्ड ने और कितना वो शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर रहे हैं सो so, एक होता है सेट uh, या कैटेगरी डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स की दूसरी कैटेगरी वो स्टॉक्स हैं जो कि कैपिटल अप्रीसीएशन होते हैं दे मे नॉट गिव यू अ डिविडेंड बट वो प्राइस uh, वाइज उनकी अप्रीसीएशन होती है सो so, ऐसे भी स्टॉक्स uh, मौजूद हैं तीसरे वो होते हैं जो कि डे ट्रेडेड स्टॉक्स होते हैं जिनमें uh, काम ज़्यादा होता है प्राइस चेंजेस बहुत हो रहे होते हैं छोटे स्टॉक्स होते हैं बट प्राइस चेंज होता है सो so, uh, ये अगेन ये एक थर्ड कैटेगरी है जिसमें इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म व्यू नहीं लेकर आते जनरली हमारा रेकमेंडेशन ये होती है कि आप अपने ब्रोकरेज अकाउंट जब खोलते हैं तो आप अपने फॉर एग्जांपल आप अपने आ, ट्रेडर से बात कर रहे हो तो अपने ट्रेडर को बताइए कि आपके पास वो जो आ, जो भी अमाउंट है आप क्या लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में डालना चाहते हैं या आप बस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग देख रहे हैं ए, हमारा एडवाइस हमेशा यही होता है कि लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में आएँ पोर्टफोलियो बिल्ड करें कैपिटल uh, अप्रिसिएशन भी लें और डिविडेंड भी लें कंपनी uh, की प्रॉफिटेबिलिटी का हिस्सा बने सो आई थिंक दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दूसरी चीज़ आ, आप जब आप जब अकाउंट खोलते हैं और आप अपने ट्रेडर्स से बात कर रहे होते हैं तो आप अपने ट्रेडर से एडवाइस लें ये एडवाइस मत लें कि जी मैं कौन से स्टॉक्स में जाऊं। आपको सही सवाल पूछने होते हैं व्हेन यू आस द राइट क्वेश्चंस यू विल गेट ऑल द राइट इन्फॉर्मेशन जिन कंपनीज़ को uh, अगर आपका ट्रेडर रेकमेंड कर रहा है तो वो उन कंपनीज़ ने पाँच साल में क्या डिविडेंड दिया है पिछले पाँच साल में उनकी प्राइसेस क्या पीक की क्या उनकी प्राइसेस का लो था एंड uh, क्या आज की प्राइस है जो परचेज़ के लिए वो कह रहे हैं इसके अलावा आप ये भी सवाल करें कि इन कंपनीज ने ओवर द लास्ट फाइव इयर्स लास्ट ईयर में uh, पिछले सालों में क्या डिविडेंस और क्या कैपिटल uh, अप्रिसिएशन दी फ़दम और इन कंपनीज की आगे क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं ये जो मुख्तलिफ ब्रोकरेज फर्म्स आ, आपको रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती हैं उन रिसर्च रिपोर्ट्स में वो कंपनीज या सेक्टर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा बहुत उस सेक्टर के बारे में जानें Uh, और उस पर्टिकुलर कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है क्या वो एक्सपेंशन मोड में है क्या वो न्यू uh, कस्टमर्स uh, देख रहे हैं क्या वो न्यू प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं क्या उनके फ्यूचर प्लान्स हैं और किस किस्म की प्रोजेक्शंस हैं जो उनकी एनुअल रिपोर्ट में सब मौजूद होती है और ये आपके ट्रेडर्स आपको एडवाइस करते हैं ये तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आने के मुख्तलफ़ मेथड्स uh, हो गए और ब्रॉडली हम uh, किस तरह मार्केट को देख सकते हैं इसके अलावा आई ऐसे सहूलत अकाउंट में जब आप अकाउंट खोलते हैं तो आपके ट्रेडर भी आपको इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं इसके अलावा आप म्यूचुअल uh, फंड्स की या ई की जो मुख्तलिफ़ ई टी मौजूद हैं मार्केट में उनकी होल्डिंग क्या है उन्होंने किन कंपनीज़ में किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है आप म्यूचुअल फंड्स में जब फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट निकालते हैं किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट उठाते हैं तो आपको उसमें टॉप होल्डिंग्स नज़र आती हैं इक्विटी फ़ंड्स की एक्विटी या स्टॉक फ़ंड की स्टॉक म्यूचुअल फ़ंड की तो वो जो टॉप होल्डिंग्स हैं वो उस पर्टिकुलर फ़ंड मैनेजर की इन इन टोटल जो उन्होंने फ़ंड बनाया हुआ है स्टॉक का उस स्टॉक के फंड ने किधर किन किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और उनकी टॉप टेन या टॉप फिफ्टीन जो भी होल्डिंग्स हैं वो क्या हैं वो भी आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट ज़रूर देता है कि मैंने कहाँ से बिगिन करना है सो आई थिंक आई विल अप हियर ऑन द इन्वेस्टमेंट साइड इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट्स खातीन के लिए आई वुड से कि उनको डेफिनेटली स्टॉक मार्केट को देखना चाहिए ट्रडिशनली ख़वा ने हमेशा बहुत ही सिंपल कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया है यानी वो या तो सर्टिफिकेट्स ले लेती हैं या वो टर्म डिपॉज़िट ले लेती हैं और इसके अलावा अगर वो डॉलर्स में कर रही होती हैं या या करेंसी में कर रही होती हैं या वो गोल्ड ले रख देती हैं डेफिनेटली इन डिफरेंट इन इन ऐसे क्लासेस में भी अप्रीसीशन होती है वैल्यू की बट साथ, साथ में स्टॉक्स भी ख़वान को एक्सप्लोर करने चाहिए